स्वागत है आप दर्शकों का हमारे YouTube चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ बेस्ट एजुकेशनल एंड स्टडी टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमेशा हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं और बहुत सारे दर्शकों ने उन्हें देखा है और काफ़ी लाभ उठाया हमारे चैनल का, तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, तो आज के मैंने इस वीडियो में 10th एग्जामिनेशन के संस्कृत में पूछे गए ऑब्जेक्टिव पोर्शन के ग्रामर का सोल्यूशन किया है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। एक चीज और कि अब आप लोगों का 10th खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि अरे चलो अब ये YouTube चैनल का क्या काम है, बट मेरा चैनल एजुकेशनल है। देखिए, 10th समाप्त हुई है, आप लोगों की पढ़ाई नहीं, तो हमारे चैनल पे बने रहें और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पाते रहें इसी तरह से। और उसके बाद फिर मैं चैप्टर वाइज भी चालू करने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो हमारे चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखें, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आप लोगों के लिए रोज नए नए वीडियोस लाता रहूं। चलिए आइए तो शुरू करते हैं संस्कृत के ऑब्जेक्टिव पोर्शन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ बता के बिल्कुल। एक चीज़ और, मेरा जो चैनल है वो मैथ और साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड है, सो डैट इसमें अगर कुछ एक दो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो आप क्षमा करेंगे मुझे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो नेट बुक और कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह से बनाए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। मंगलम जो है उसमें पंच मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन, सत्य का मुँह किस पात्र से ढका होता है? हिरण्यमय पात्र से। वेदा हेमंत पुरुषम महांतम जो है उसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। मेघासनिज पटना किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला, पाटल पुष्पों की पुतलिका, पाटलिपुत्र ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का, पटना का कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र मुगल वंश या शेरशाह सूरी के समय किया गया था? शेरशाह सूरी मुगल वंश का समकालिक थे। बेरेश्वर कौन था? तो बेरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर बी। आलस्य शाला में आग क्यों लगाई गई? आलस्यों को परीक्षा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य के इसमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, मैत्रेयी। सर्व शुक्ला सरस्वती, देखिए ये मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ इसलिए इसको मैंने नहीं लगाया, आप इसको नेट से देख लेंगे। ये एक ही क्वेश्चन इसमें है जो थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ऐसे तो इसका आंसर जनक हो सकता था बट मिला ही नहीं, कहीं नहीं मिला, तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। आ गया, ये गंगा देवी का समय 14वीं सदी का था। आधुनिक काल की सरस्वती, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप जानेंगे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको प्रमोट कर दूंगा। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है पंडिता क्षमाराव। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कारों से होती है। ये जो हमारा है जन्म पूर्व एक संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए 16 का ए। ब्रह्मचारी, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता। नीति श्लोका विदुर नीति से उद्दित हैं, संकलित है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर। मंदाकिनी वर्णम ये जो है इसके कवि हैं वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्याघ्र पठित कथा, नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णश्च दानवीरता कर्णभार से। अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। निर्मलम का संधि विच्छेद निहजोड़ मलम। अगला जो क्वेश्चन है वो है पूषणवान, इसकी संधि होगी, देखिए नौ और अ मिलके आकार बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ओई मिलके य बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बी थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है बी और सी में, बट मैंने इसको बी किया है, सी तो नहीं होगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है तो मैंने बी इसको किया है। अर्थभावे का विग्रह होगा अर्थस्य भावे, मतलब अर्थ का अभाव है ना, तो अर्थ का अभाव अर्थस्य अभावे, ऑप्शन नंबर ए। धर्मचा, इसमें धर्मार्थ काम धर्म और काम, ऑप्शन नंबर बी। अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। अगला क्वेश्चन है नीलोत्पलम, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इत्थम भूत लक्षणे, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये भूत लक्षण प्रदर्शित कर रहा है डी, बाकी सारा का सारा अदर अदर का है।
ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है रुदंत, इसको भी आप थोड़ा देख लेंगे, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था। 35 का ऑप्शन नंबर ए, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है, किस शब्द में परा उपसर्ग है, पराकाष्ठा में, निवेदनम में नी उपसर्ग है, और पा धातु से प्यू बना है, द्रक्षति जो है हमारा लृट लकार का है, गच्छ धातु है, गम का, जाना का, लताय में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है पिता का प्रत, साधु की सप्तमी विभक्ति साध्यो, ये हमारा 45 का ए बनेगा पटुता। लघुतरम तरप प्रत्यय इसमें है, प हटके, प या तो हट जाता है या माँ में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा बताया गया था मुझे, तो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है आगत्य में यत् प्रत्यय है, भूसृत में भवत, होता क्या है सृत प्रत्यय में श्रीयो तो हट जाता है, अत बचता है, तो भू अत, भूअत, भवत, ऑप्शन नंबर डी। राजन में डी डी प्रत्यय, इसमें केवल ई बचता है, तो राजन जोड़ ई, राजनी, ऑप्शन नंबर सी। मूर्खा में कौन सा प्रत्यय, देखिए इसमें टाप प्रत्यय हो सकता है, बट ये कंफ्यूजिंग है तो मैं इसको छोड़ता हूँ। एक चीज़ और कि आपका इंग्लिश कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, साइंस कमज़ोर है, कुछ भी है, आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमेशा विजिट करें, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और एजुकेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, डेट्स इट।